कांग्रेस शहर में उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट की ओर से सोमवार को शहर वासियों की विभिन्न बुनियादी समस्याओं को लेकर धड़क मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे में शामिल शिवसैनिकों ने न सिर्फ राज्य सरकार के खिलाफ बल्कि स्थानीय पालिका के विरोध में भी जमकर नारेबाजी कर रोष प्रदर्शन किया। इन दिनों दिग्रस शहर का चप्पा चप्पा विभिन्न बुनियादी सुविधाओं से उपेक्षित नजर आ रहा है। हर गली और हर मोहल्ले में असुविधाओं की भरमार है और ये सब परिणाम है स्थानीय नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही का और काम चोरी का। शहर के नागरिक जल संकट से, आवारा कुत्तों के आतंक से, कचरे की समस्या से बेजार हो चुके हैं। इन सारी समस्याओं को लेकर उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट की ओर से शहर के विश्राम गृह से लेकर नगर पालिका तक मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे में शिवसैनिकों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लेकर स्थानीय पालिका प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ न सिर्फ जमकर नारेबाजी की बल्कि रोष भी व्यक्त किया। दोन घंटे गाड्या फिरून राहिलेले आहेत। मोकाड जनावरांचा सुद्धा प्रश्न मागील काही दिवसात दोन पिसाळलेल्या कुत्र्यांनी इग्रजपदील 80 ते 90 लोकांना चावा घेतला, कुठेच नगरपालिकेचं नियंत्रण त्याच्यावर राहिलेलं नाहीये। आणि अशा बऱ्याच काही मुद्द्यांवर आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष व गावातील नागरिकांनी आज धडक मोर्चा नगरपालिकेवर दिलेला आहे। तरी प्रशासनाने त्यांच्या हातात जर डोळे उघडले नसेल तर यापेक्षाही तीव्र प्रकारे शिवसेना स्टाईलने आंदोलन करून नगरपालिकेचे डोळे उघडण्याचं काम हे पक्ष करणार। पंतप्रधान घरकुल योजनेची सुद्धा त्यांनी 3-13 वाजवलेले आहेत। त्या गरिबांना कर्ज काढून त्यांनी घर बांधले, बेघर व्हायची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे आणि कुंभकर्णी झोप घेतलेला हा मुख्याधिकारी गावात करत आहे। गावातून आपल्या गावी जातो चंद्रपूरला, दर दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी जातो, पाणी पुरवठ्याचा अभियंता आपल्या यवतमाळला जातो। कोणी आज धडक मोर्चा येणार आहे, धडक मोर्चा आम्ही देणार आहोत याची पूर्व सूचना या अधिकाऱ्यांना दिल्यानंतर सुद्धा पालकमंत्र्याचे हे पित्तू आपल्या खुर्चीवरून गायब झाले। पण लाजीरवाणी गोष्ट अशी आहे, मुख्याधिकारी तर नाहीच नाही, मी तर त्यांना बघितलंही नाही आल्यापासून। कधी आलं तर कधी सांगतात मुंबई गेले, यवतमाळ गेले, आज ते घरी गेले, पण अजून आलेले 4 वाजता येणार असं आम्हाला कळलं। त्यानंतर पाणी पुरवण्यात गेलो, तिकडे ते इंजिनियर नाही आहे, तिथे त्यांची जी दरवाजा आहे ते 24 तास तिथे असायला पाहिजे नियमानुसार, पण ते रोज अपडाऊन करते। इथे जर काही घडलं, पाण्यात काही कुणी टाकलं काही घडलं तर जबाबदार कोण? मुख्याधिकारी साहेब आणि पाणी पुरवठा अभियंता हे दोघेही या ठिकाणी अनुपस्थित आहेत। हे दोघे फक्त पाणी पुरवठा योजने अंतर्गत 43 कोटीची जी योजना आहे त्या योजनेमधून किती मलिदा मिळतो हे खाण्यात व्यस्त आहे। आज जो उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की ओर से जो हमारी शिवसेनाने या मोर्चा लेकर आया है, आज ये सिर्फ बेशरम और फूल और बातों से इनको बोलने के लिए आए, कल इनको लाता मारने के लिए एक विराट मोर्चा लेकर हम यहाँ पे आएंगे और इनको सबक सिखाए शिवाय नहीं छोड़ेंगे। इन लोगों को निवेदन दिया, एप्लीकेशन दिया और बोला कि भाई ये पानी फूटे फूटे भाई लाइन में गंदा पानी जा रहा, लोगों को गैस हो रहा, लोग दवाखानों में भर्ती हो, दवाखानों में डॉक्टर को पूछा जा रहा, तो पानी में पाइप लाइन में पानी खराब आ रहा, दुष्परिणाम पानी आ रहा, ये पानी का डॉक्टर का बोलना है। और कब्रस्तान का भी काम ऐसा हो रहा है जैसा टॉपलेट का टाइम हो रहा। और दूसरी बात, ये आरोग्य विभाग का जो काम है 15 दिन होगा कम से कम, अभी कचरा उठाने लाखों करोड़ों रुपए बिल निकाला जा रहा, पानी के नाम पर लाखों करोड़ों बिल निकाला जा रहा। इस मोर्चे में शामिल शिवसेना के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने नगर पालिका पहुंचकर न सिर्फ विरोध प्रदर्शन किया बल्कि विभिन्न कक्ष के अधिकारियों के कक्ष में घुसकर उनकी कुर्सियों पर बेशरम के पौधे लगाए और कुर्सियों को फूल मालाएं अर्पित की। बहरहाल उद्धव बालासाहेब शिवसेना गुट की ओर से निकाला गया यह मोर्चा बेहद आक्रामक था और इस मोर्चे में शामिल लोगों का आक्रामक होना गलत भी नहीं, क्योंकि शहर भर में नगर पालिका की बिगड़ल कार्य प्रणाली की बदौलत बेहद असुविधाएं पनप रही है जिसका खामियाजा शहर की जनता भुगत रही है। लेकिन यहां सोचने वाली बात यह भी है कि इस मोर्चे में जो लोग अगुवाई कर रहे हैं उनमें से अधिकतर लोग नगर सेवक या सभापति पदों पर पहले कार्यरत हुआ करते थे और अब उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। ऐसे में सवाल ही उठता है कि इन लोगों ने अपने कार्यकाल में जनता के मुद्दों को अगर इसी आक्रामक तरीके से उठाया होता तो आज स्थिति कुछ और होती। बहरहाल उद्धव बाळासाहेब शिवसेना गुट के शिवसैनिकों ने
और पदाधिकारियों ने देर से ही सही, लेकिन धड़क मोर्चे के जरिए जो समस्याएं उठाई हैं वे बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पालिका प्रशासन की दशा एक खुले सांड के जैसी हो चुकी है, जिसको तत्काल काबू में करने की नितांत आवश्यकता है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या पालिका प्रशासन का ऊंट पहाड़ के नीचे आता है या फिर पालिका प्रशासन की मनमानी यूं ही जारी रहती है। NBCN न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।